चौक स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सूथड़ा में 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह महोत्सव 15 अप्रैल को आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने 1008 कलशों से प्रभु का अभिषेक किया। 15 अप्रैल को 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन कल्याणक महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस क्रम में ही टोंक स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सूथड़ा में भी भव्य आयोजन हुआ। आयोजन का शुभारंभ मंदिर जी में विराजमान मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के महा मस्तक अभिषेक के साथ हुआ। स्वर्ण कलशों से किए गए प्रभु के महामस्तक अभिषेक के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु का अभिषेक करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। स्वाहा ओम ह्रीम अरहम वृषभाय नमः जलेन सिंचामिति स्वाहा। श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जन कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर भक्तों ने जिनेन्द्र भगवान की वृहद शांति धारा भी की। आयोजन के संबंध में अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जैन जी ने जानकारी दी। भगवान का जन्म और तब कल्याणक यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज भगवान के 1008 रिद्धि मंत्रों से यहाँ पर अभिषेक किए गए, शांति धारा की गई। कीर्ति स्तंभ जो कि अति प्राचीन है, जो यहाँ की मुख्य धरोहर है, उसका भी आज शांति धारा और अभिषेक करके लोगों ने अपने पुण्य अर्जित किया। आज यहाँ पर दूर दूर से यात्री आकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बने। पूरा टोंक जिला ही नहीं, समस्त राजस्थान के लोगों ने आकर के यहाँ पे पुण्य का अर्जन किया। आयोजन में भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए मांगल गतिविधियों में सहभागिता की। जैन फोकस के लिए टोंक राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। चाम चीम छुम छे छई छो छौ चम छे छीम राम रीम रोम रे रे र र र राम रीम रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र।